स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो कल के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को लास्ट लेक्चर में हम समाप्त कर दिए थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तक यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसे सुन लीजिए। जैसे मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया है आशीष सर के साथ। बहुत जल्द ही आशीष सर एक और सेक्शन लाने वाले हैं, दैट इज रीजनिंग। इसके साथ ही सुमन सर आपको पढ़ा रहे हैं बायो प्लस हिस्ट्री का शॉर्ट्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बीपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, उसे कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी, जो स्टैटिक ज्योग्राफी है, उसके पोर्शन को आपको सुमन सर कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम पढ़ा रहे हैं आपको केमिस्ट्री। इसके साथ ही साथ आपको हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी का टू द पॉइंट लेक्चर चल रहा है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे डील कर दिया। मतलब लगभग केमिस्ट्री पॉलिटी को हम इसमें कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट आर कवर्ड इन, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट कवर इन पॉलिटी। इसके साथ ही साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट बैच स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज 67th के लिए हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 38th to 66th। तो ये 67th स्टार्ट होने के पहले आपका इतना सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये पूरे क्वेश्चन बैंक को हम डील करेंगे। विथ प्रॉपर उस सराउंडिंग, कहने का मतलब मेरा है ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एकदम डिटेल में डील किया जाएगा, डिटेल में डील किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन बैंक को देखने के लिए, या आपके जो भी दोस्त हैं उसे क्वेश्चन बैंक देखना है, तो आप उन्हें रिकमेंड कीजिए हमारे चैनल को। तो हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए और मेक श्योर को, और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपके पास आए तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का मेन टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। क्या है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल कहने का सीधा मतलब है, हिंदी में कहते हैं इसे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। चलिए पीरियोडिक टेबल को समझिएगा कि पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते क्यों हैं, इन चीज़ों के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। देखिए पीरियोडिक टेबल पढ़ने का सीधा तात्पर्य है, हमारे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, उस एलिमेंट को जिस टेबल में सजाया गया है, जिस सारणी में सजाया गया है, उसी सारणी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो किसको सजाया गया है? एलिमेंट को। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को कि हिंदी में से क्या कहते हैं। देखिए हमारे यूनिवर्स में 118 एलिमेंट पाए गए हैं, जिसमें 118 एलिमेंट पाए गए हैं जिसमें जो 98 एलिमेंट है वो नेचुरली अकर्ड हैं, और 20 एलिमेंट मैन मेड है। देखिए आपको कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा कि 98 बोल रहे हैं और 20 बोल रहे हैं। जी कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा 24 और 94। देखिए 24 और 94 प्रीवियस डाटा था, अब 98 और 20 है। देखिए यदि ऑप्शन में आपका आ रहा है कि कितने एलिमेंट नेचुरली अकर्ड है, ऑप्शन में 98 दिया है और 94 दोनों दिया है, तो आप 98 मार के आइएगा। और यदि 98 नहीं दिया है, 94 दिया है, तो 94 मार के आइएगा नेचुरली अकर्ड एलिमेंट में। और यदि 98 दिया है, 94 नहीं दिया है, तो 98 मार के आइएगा। तो ये
समझ लीजिए कि हमारे यूनिवर्स में जो है 118 तरह के तत्व पाए जाते हैं। उन्हीं तत्वों को जिन चीज़ों में सजाया गया है, जिस टेबल में सजाया गया है, उसी टेबल को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसे लिख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द टेबल इज पीरियोडिक टेबल। कहने का सीधा मतलब क्या है? तत्व को जिस सारणी में सजाया गया है, सारणी में रखा गया है, या सजाया गया है, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। उसे आवर्त सारणी कहते हैं। चलिए अब देखिए, उन चीजों के जानिए। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जिस सारणी में सजाया गया है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट किसे कहते हैं? इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है। देखिए, कुछ एलिमेंट जो है, अरेंजमेंट जो इस तरह से किया गया है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट का है वो रीअपियर होता है। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम ले लीजिए, तो हाइड्रोजन और लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग क्या है? समान है। तो रीअपियर, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो रीअपियर कहाँ हो रहा है? लिथियम में। तो कहने का मतलब है हमारा कि ये क्या है? री एलिमेंट। मतलब हम यहाँ समझा, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, एक्स वाई जेड, ए बी सी, इन चीज़ों को समझिए। जैसे एक्स और वाई का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, तो उसी आधार पे पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किया गया है। इसे कहते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज के आधार पे किया गया है। तो उन चीज़ों को लिखते हैं तो आपका जो भी है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये इसको कहेंगे हम द अरेंजमेंट ऑफ, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल और आवर्त सारणी कुछ भी लिख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रीअपियर्स। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इन सच अ वे दैट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हैविंग ही ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इन सच अ वे दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट रीअपियर्स एंड द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज
देयर प्रॉपर्टीज इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इन चीजों को समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज के आधार पे जो अरेंजमेंट कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, और आवर्त वर्गीकरण कहेंगे इसे। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि जिनका जिनका योगदान रहा पीरियोडिक टेबल बनाने में, उन सभी के योगदान के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में जो जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो जिनका योगदान रहा सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में, तो उन लोगों के बारे में अब पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा लॉ दिया था। तो उन्हीं उसी में सबसे पहला इफर्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में डाला था वो थे डोबे राइनर। तो डोबे राइनर साहब के बारे में पहले पढ़ते हैं। डोबे राइनर, चलिए पहले समझ लेते हैं कि डोबे राइनर साहब का क्या योगदान रहा, उसके बाद हम इनके बारे में लिखेंगे। देखिए डोबे राइनर जो थे 1817 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का, परमाणु एटॉमिक थ्योरी का जब विकास हो चुका था, उसके बाद डोबे राइनर ने इस सिद्धांत को परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया। देखिए तत्वों का वर्गीकरण करने का मतलब है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन आफ्टर द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी डेवलप होने के बाद 1817 ईस्वी में डोबे राइनर ने दिया कौन सा एलिमेंट्स का वर्गीकरण करना शुरू किया। तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो जिनका योगदान रहा उन्हीं का है नाम जॉन जोहान, जोहान वुल्फ गैंग डोबे राइनर। अब इनके बारे में समझ लीजिए कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने तीन तीन एलिमेंट को एक ग्रुप के रूप में ले लिया, तीन तीन एलिमेंट, तीन तीन तत्व को क्या किया, एक समूह के रूप में ले लिया, जो समान गुण प्रदर्शित करती हो, जिनका गुण क्या हो, समान हो, उनको क्या ले लिया, एक एक एलिमेंट में ले लिया, एक एक ग्रुप में ले लिया। अब तीन तीन एलिमेंट को ले लिया इसलिए इनके लॉ को कहा गया ट्रेड, त्रिक, त्रिक का सिद्धांत कहा गया। क्या क्या कहा गया, त्रिक सिद्धांत। क्यों कहा गया, क्योंकि तीन तीन एलिमेंट लिए थे, लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि इन्होंने किया क्या था, डोबे राइनर का लॉ क्या था। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डोबे राइनर ने क्या लॉ दिया था। डोबे राइनर ने लॉ दिया था त्रिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था तीन तीन एलिमेंट। अच्छा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे तीन एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एलिमेंट ले लिए जिनका एटॉमिक मास है, जिनका एटॉमिक मास है एक्स एम वाई एम जेड एम। अब इन चीज़ों को समझिए, एक्स एम वाई एम जेड एम। तो इन्होंने कहा जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना, जो बीच वाला एलिमेंट है वो पहला और तीसरा एलिमेंट का औसत होगा, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो निकाले कैसे, वो वाई एम इज इक्वल टू एक्स एम प्लस जेड एम वाई टू। बहुत सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा, एवरेज निकाल दिया, बोला क्या होगा,
बीच वाला का निकल गया, इसी तरह से वो सजा दिया। लेकिन इनका प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड का प्रॉपर्टीज क्या होगा? सिमिलर होगा। तो एटॉमिक मास का मतलब हुआ परमाणु द्रव्यमान, हिंदी में भी लिख लेते हैं ताकि हिंदी वाले विद्यार्थी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, परमाणु द्रव्यमान। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ ट्रेड पेश किया था, तो उन ट्रेड को देख लेते हैं। ट्रेड मतलब तीन ग्रुप का जो समूह दिया था, कौन कौन सा दिया था। तो इसी कड़ी में उन्होंने पहला ट्रेड जो दिया था, फर्स्ट ट्रेड गिवेन बाय डोबे राइनर इज, फर्स्ट ट्रेड उन्होंने क्या दिया था? फर्स्ट ट्रेड दिया था लिथियम सोडियम एंड पोटासियम का। किसका? लिथियम सोडियम और पोटासियम, पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम। इनका जो एटॉमिक मास क्या होता है उस आधार पे, तो एटॉमिक मास लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटासियम का होता है 39। इसी आधार पे सोडियम को डिनोट करते हैं। देखिए, डिनोट करने का तरीका, बाकी सभी तरीका जब डेवलपमेंट हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक एक चीज़ को आपको याद करवा देंगे कि कैसे याद किया जाए इसे। पोटासियम लिथियम का Li, देखिए सोडियम का एटॉमिक मास निकाला, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 7 + 39/2, 7 + 39/2, तो 7 × 9 = 16 और 3 × 4/2 = 23। क्या आ गया? 23। ये हो गया मैच हो जाता है। तो फर्स्ट ट्रेड तो उनका जो रहा वो बहुत ही क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट ट्रेड उनका जो था सक्सेसफुल था। फिर उन्होंने दिया सेकेंड ट्रेड, क्या दिया? सेकेंड ट्रेड। तो इसी तरह से उन्होंने जो जो ट्रेड दिया उन सभी ट्रेड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड ट्रेड उन्होंने दिया कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम का। सेकेंड ट्रेड क्या था? कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। चलिए इनको भी समझ लीजिए, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम का। कैल्शियम को डिनोट करते हैं Ca से, स्ट्रोंटियम को Sr से, बेरियम को Ba से। तो कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने निकाला था। देखिए, सब में कंसेप्ट तो एक ही है, मिडिल वाले को एवरेज करके निकालना है। तो हम जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास किसका निकालना है? स्ट्रोंटियम का निकालना है। तो किसका किसका एवरेज होगा? कैल्शियम प्लस बेरियम का एवरेज होगा, बाई टू कर देंगे। देखिए कैल्शियम का होता है कितना? कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, स्ट्रोंटियम का 88 होता है और बेरियम का 137 होता है। इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 40 + 137/2, 7 × 4 = 7 और 1/2, 2 × 16, 2 × 16 = 88.5। देखिए 88.5 से 88 मैच किया, मतलब डोबे राइनर साहब ने कहा था कि ऑलमोस्ट सेम होगा। क्या? एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम होगा जब एवरेज निकालेंगे। तो ऑलमोस्ट तो सेम है लेकिन ये हो गया फेल, सेम तो नहीं है तो ये हो गया फेल। सेकेंड ट्रेड उनका हो गया फेल, 88 है ये और ये है 88.5, तो ऑलमोस्ट से कुछ चलने वाला है नहीं। चलिए इसी तरह उन्होंने थर्ड ट्रेड जो लिया उसे भी समझते हैं कि थर्ड ट्रेड उन्होंने क्या लिया। तो थर्ड ट्रेड उन्होंने लिया था, थर्ड ट्रेड ऑफ डोबे राइनर था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में जान लीजिए।
क्लोरीन को सीएल से डिनोट करते हैं, ब्रोमीन को बीआर से डिनोट करते हैं। ऐसे तो आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको सैम्बुल सब बताएंगे लिखने के लिए। तो क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 एंड इसका होता है आयोडीन का 127। तो ब्रोमीन का हम निकालते हैं एटॉमिक मास, ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या होगा अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, 35.5 प्लस 127 बाई 2 तो हो गया 0.5, 7 5 12 2, हाथ में 1 3 2 5 1 6, 1 बाई 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 81.5। तो ये भी हो गया 80 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी लॉ हो गया क्या, फेल। चलिए ये भी हो गया सेकेंड, थर्ड ट्रेड भी हो गया फेल। तो अब उनका देखते हैं फोर्थ ट्रेड, अब उनका देखते हैं फोर्थ ट्रेड क्या था, फोर्थ ट्रेड ऑफ डोबेराइनर, चलिए फोर्थ ट्रेड उनका देखते हैं। फोर्थ ट्रेड था सल्फर, सल्फर का सेलेनियम एंड टेलुरियम, सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम। सल्फर को एस से डिनोट करेंगे, सेलेनियम को, सेलेनियम को एस ई से और टेलुरियम को टी ई से। तो सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32, सेलेनियम का होता है एटॉमिक मास कितना 79 और टेलुरियम का होता है 128। ये सब चीज लिखने के लिए हम आपको बता देंगे, पहले इसे समझ लीजिए कि डोबेराइनर ने क्या काम किया और क्या योगदान दिया। डोबेराइनर का एक योगदान, इम्पोर्टेंट योगदान था कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, शुरुआत की, मतलब 8 2 10, 3 2 5 1 6 और 1 दो 80, कितना हो गया 80, इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को 80, और ये है 79। तो ये भी हो गया क्या, ये भी हो गया फेल, ये भी हो गया फेल। तो अब लिखते हैं डोबेराइनर के बारे में, चारों ट्रेड को हम समझ गए, अब देखते हैं कि डोबेराइनर ने जो दिया था उन सब चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। चलिए डोबेराइनर ने कब दिया था, देखिए सबसे पहला बात तो डोबेराइनर जो थे वो जर्मन के साइंटिस्ट थे, राइनर, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन के, जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने कब दिया था, ये गेव लॉ इन, गेव लॉ ऑफ ट्रेड, ट्रेड कब दिए थे, 1817 में, 1817 में, अच्छा से लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। डोबेराइनर दिए थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था लॉ को 1817 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिश की थी अरेंज करने का एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ही वाज ट्राइंग टू अरेंज, अपने भाषा में सब चीज लिख रहे हैं, अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, समान गुण वाले तत्व को समूह में सजाने की कोशिश किए थे, या सजाए कोशिश किए थे,
अब देखिए क्या था, जब वो ग्रुप में सजा रहे थे तो क्या क्या, कितने ग्रुप का बनाए थे, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे। तो लिखते हैं ही अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स इन द ग्रुप, इन द ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड, लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स। तीन तत्वों को एक ही समूह में सजाया गया था, इसलिए इसलिए इसे त्रिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। त्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अब इन चीजों को समझिए, ये सजाएं थे किस तरह से ये भी जान लीजिए। ये जो सजाएं थे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं थे, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाएं थे। आरोही क्रम कहने का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में सजाएं थे। तो दीज थ्री एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखिए एसी लिख रहे हैं इसका मतलब है अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड इट वॉज फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल, इसे कैपिटल में लिख देते हैं आपको या समझ में आए, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ वाज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए ये हो गया, अब इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। इसे त्रिक सिद्धांत के अनुसार तत्वों को किसके तत्वों को कहाँ सजाया गया था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था गया था त्रिक सिद्धांत के अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था और मध्यम
तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम एवं तृतीय का औसत होता है, का औसत होता है, औसत होता है। नेक्स्ट टर्न आता है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या देखते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव कहने का मतलब है अष्टक का सिद्धांत। क्या? अष्टक का सिद्धांत, अष्टक का सिद्धांत। अच्छा, अष्टक का सिद्धांत हम बोल रहे हैं। तो अष्टक का सिद्धांत होता क्या है, इन चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, अष्टक का सिद्धांत होता क्या है, न्यूलैंड जो थे वो सेकेंड एफर्ट डाले थे अष्टक का सिद्धांत में, तो उनके बारे में पूरा अच्छा से पहले जान लेते हैं। उनका जो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो 1865 ईस्वी में दिया गया था बाई एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था साइंटिस्ट, चलिए, जिनका नाम था जॉन एलेक्सेंडर न्यूलैंड। अब इन चीजों को ध्यान से समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जॉन एलेक्सेंडर न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन किया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे। उन्होंने कहा था जो प्रत्येक आठवां तत्व होगा, जो प्रत्येक एवरी एथ एलिमेंट होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। कहने का क्या मतलब है, इन चीज़ों को समझिए। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद 8, यहाँ नहीं लिखाएगा। आठवां तत्व जो होगा पहले के गुण के समान होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बोलोगे 20 तक क्यों लिख दिए, क्योंकि ये वैलिड ही है। कहाँ तक? 20 तक वैलिड था, दैट इज कैल्शियम। जब हम आपको एटॉमिक नंबर पर बताएंगे लिखना, तो उस समय आप जानिएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा एलिमेंट का क्या क्या नंबर है, तो उसी आधार पे आप समझिएगा। फिलहाल जान लीजिए कि ये वैलिड कहाँ तक था, कैल्शियम, कैल्शियम के आगे वैलिड नहीं था। ये जो अष्टक का नियम दिया गया था उसे कंपेयर किया गया, अष्टक नियम था म्यूजिक में जो अष्टक नियम है उससे, क्योंकि म्यूजिक में जो अष्टक नियम है उसमें 7 सुरों के बाद फिर आठवां सुर पहले सुर के समान दोहराव होता है। तो जैसे उस सुर क्या है, सारे गम प ध्वनि सा सानी ध प म गरे सा, तो जो पहला है वो आठवां होगा। तो उसी आधार पे तो इसका कंपैरिजन कहाँ से किया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ से कंपेयर किया गया, ये एग्जाम में आ सकता है, कंपेयर विथ म्यूजिक म्यूजिक लॉ ऑफ ऑक्टेव। चलिए ये देख लीजिएगा, 1, 8, 15, अब इन चीज़ों का समझिएगा, 1, 8, 15, 2, 9, 16, 2, 9, 16, 3, 10, 17, 3, 10, 17,
इन सभी का जो प्रॉपर्टीज होगा वो प्रॉपर्टीज केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। इनका जो केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर होगा, भौतिक एवं रासायनिक बिहेवियर जो होगा, भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होगा, लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर। अच्छा, इन चीजों को समझिए आप। अब आ गया समझने की बारी। एक आठ पंद्रह, इनका जो गुण है वो क्या है, बराबर। लेकिन ये वैलिड कहाँ तक है, 20 तक। 20 तक जब वैलिड है तो इसमें जिस समय ये लॉ दिया गया था उस समय मात्र और मात्र 56 एलिमेंट ही जाने जाते थे। कितने एलिमेंट जाने जाते थे, 56। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट वेयर नोन। और 56 एलिमेंट जाने जाते थे उस समय, पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन था जो अभी भी है, लेकिन इसको कहा जाता है अवारा तत्व। अवारा तत्व क्यों कहा जाता है, किस तरह ये अवारा है, किस तरह ये मनचला है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट एलिमेंट था थोरियम। लास्ट क्या था, ये फर्स्ट था और ये लास्ट है। लास्ट क्या है, थोरियम। लास्ट क्या है, थोरियम। तो न्यूलैंड के लॉ के बारे में अब लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको जरूरत पड़े तो रिवीजन करने में आसानी हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एलिमेंट्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देयर एटॉमिक मास, एवरी एथ एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। चलिए, ये हो गया न्यूलैंड्स का नियम। तो इसे इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में इसे लिखते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, परमाणु इसे जो है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार तत्व को परमाणु द्रव्यमान के मान के आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, इसे लिख देते हैं, बहुत को समझ में नहीं आएगा। बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम में सजाया गया, में रखा गया, रखा गया, या यहाँ लिखते हैं सजाया गया व्यस्त है, या व्यवस्थित किया गया व्यस्त है, तो यहाँ लिख देते हैं सजाया गया, सजाया गया इस तरह से, इस तरह से कि आठवां, आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के समान है, समान हो। ये हो गया अष्टक का नियम। अब
अष्टक के नियम में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम क्या था, वैलिड अप टू कैल्शियम यहाँ लिख देते हैं, वैलिड अप टू कैल्शियम, इसको हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम तक ही क्या है, ये यूज किया जाता है बाध्य है, कैल्शियम तक की है, कैल्शियम के बाद इस नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 56 एलिमेंट था, लेकिन हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन जो है इसको आवारा तत्व भी कहा जाता था, इसको उचित स्थान नहीं मिला था, उचित स्थान नहीं मिला था। अच्छा, उचित स्थान तो नहीं मिला था। और एक चीज़ इसमें जान लीजिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए न्यूलैंड में ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो ट्रांजिशन एलिमेंट को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य नहीं माना गया है, ये सिर्फ याद रखिएगा, बाकी हम तो बताएंगे ही बताएंगे। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व इसको कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट क्लासिफाइड हियर, नॉट क्लासिफाइड हियर। चलिए हो गया। अब यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए जाके सब्सक्राइब चैनल को, ताकि उन्हें भी फायदा हो और सब बढ़े, सब पढ़े। मेक श्योर का यही है कि सब बढ़े और सब पढ़े। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहले आ जाए, और आप अपने सिलेबस को टाइम से समाप्त कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।